क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सब कमजोर और दुर्बल मनुष्य हैं। हम इस संसार की सुंदरता से बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। शैतान इसे अच्छी तरह से जानता है और दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है कि किसे चट कर जाए। हम उसकी जाल में आसानी से फंसकर पाप करते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। आज रात बुधवार है। हम क्रिस्ती विश्वासी लोग इस दिन पवित्र कलीसिया की परंपरा अनुसार अपने माथे पर राख लगाकर चालीसा का पुण्य काल शुरू करते हैं। यह हमारे अपने पापों के प्रायश्चित का चिन्ह है। इस पुण्य काल में हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करते हुए उपवास, त्याग, तपस्या, प्रार्थना और भिक्षा दान देकर प्रायश्चित करते हुए पिता ईश्वर से मेल मिलाप करते हुए उसके परम प्रिय पुत्र यीशु के पवित्र दुर्भोग, मृत्यु और महिमा में पुनरुत्थान का पवित्र महोत्सव मनाने की तैयारी करते हैं। उपवास का अर्थ है नजदीक बैठना या रहना। तपस्या का अर्थ है तपना या जलना। प्रार्थना का अर्थ है साथ साथ रहना। हमारा ईश्वर धधकती आपकी भट्टी है। इस पुण्यकाल में हम ईश्वर के पास उसके परम प्रिय पुत्र यीशु का अनुसरण करते हुए उसके पास बैठकर उसके साथ साथ रहकर उसके साथ और उसमें तपते व जलते हुए उसके समान शुद्ध, पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा नवनीकरण होने से हम एक नए प्राणी बन जाते हैं। आज के तीनों पाठ हमें प्रायश्चित करना सिखाते हैं। नबी एवेल कहते हैं, अपने कपड़े फाड़ने के बदले हृदय फाड़ कर पता सच्चे हृदय से अपने सभी पापों को स्वीकार कर उसके लिए शोक मनाते हुए पश्चाताप कर उसके लिए प्रायश्चित करना और चिन्ह भी प्रकट करना है। संत पौलुस बताते हैं, ईश्वर के पास पुनः लौट आने के लिए यह उपयुक्त समय है। इसी प्रकार यीशु कहते हैं, जो भी पुण्य कार्य तुम उपवास, त्याग, तपस्या, प्रार्थना और भिक्षादान के द्वारा बड़ी नम्रता व दीनता पूर्वक करते वह मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को खुश करने के लिए होना चाहिए। वही हमारे गुरुओं का गुरु है। वह हमारी भलाई के लिए सब कुछ प्रेम से करते दिखाते सिखाते और कहते हैं, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। इस पुण्यकाल में उससे कृपा मांगे कि वह हमें आंतरिक तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे जिससे हम उसके ही रूप और समानता प्राप्त कर सके। उसकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है।